नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकार के खिलाफ सिर समेत धरने पर बैठे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। हरियाणा सरकार के विरोधी रुख और किसानों की गेहूं और सरसों के अनियमित भुगतान के खिलाफ सिरसा के लघु सचिवालय में इनेलो नेता धरने पर बैठे हैं। इस धरने में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी पहुँच गए। दरअसल किसानों की पेमेंट उनके खाते में डालने के लिए अभय सिंह चौटाला ने सरकार को एक पखवाड़े का समय दिया था, जो इस समय खत्म हो गया। और ऐसे में आज से इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला धरने पर बैठ चुके हैं। अभय चौटाला का कहना है कि सिरसा में धरना तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं मिल जाता। अभय चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को चुनौती देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से भुगतान के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े आधा दर्जन मुद्दों को लेकर के वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। पूर्व नेता और प्रतिपक्ष एवं इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सरकार में अभय सिंह के भतीजे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के नाते साथ सभी कार्यकर्ता साथी रोज नई तकनीकें लेके हर रोज कह रही है, कभी किसान पोर्टल पे आएगी, कभी व्यापारी के खाते में आएगी, कभी किसान के खाते में आएगी है। इन सभी उलझनों से भी किसानों ने, व्यापारी भाइयों ने, मजदूरों ने बीड़ा उठाया और इस संघर्ष के अंदर सभी ने भरपूर प्रयास किया और अभय सिंह जी चौटाला जी ने भी मजबूती से हमारी आवाज उठाई। अब लगातार जो भी चंद हर रोज आप देख रहे हैं, आप